नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। IMPAR के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की जिला कार्यकारियों की घोषणा। सामुदायिक जुड़ाव और भागीदार जमीन पर सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने आज पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 15 सदस्य कार्यकारी समिति EC के नामों की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMPAR के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने, जो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के भी अध्यक्ष, मीडिया से रूबरू होते हुए जिला परिषदों के नाम और एजेंडे की घोषणा की। आगे डॉक्टर MJ खान ने बताया कि विकास और समाज सुधार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय का उत्थान और उनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। IMPAR अपने व्यापक समुदाय चुनाव के हिस्सों के रूप में जमीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को निष्पादित करने का इरादा रखते हुए 30 जिलों की परियोजनाओं की पहचान बनाने में कामयाब रहा है, जिसमें हरियाणा के 2 जिले, उत्तराखंड के 2 जिले, दिल्ली में 5 और यूपी के 21 जिले शामिल हैं। इस अवसर पर मोहम्मद इदरीश, मोहम्मद आलम, अंसार अहमद नूर, मोहम्मद खान, इमरान खान, राशिद खान, रईस राशिद, अब्बासी सैयद, हारून किरमानी, नासिर हुसैन, मसूद अख्तर व कार्यकारिणी के आदि सदस्य मौजूद रहे। टैंक बनाने के लिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में फायदा हो, हम लोगों ने ये शूट किया 2020 में। ये एक और अभी तक कुछ 2 साल से ऊपर हुए और ये बॉडी इस तरह हो गई और इस पर काफ़ी लोगों ने कोऑपरेशन किया और तमाम मुसलमानों ने इस बारे में आगे ये अपने आप की शिरकत की और ये एक्सेप्ट किया कि ये ज़रूरी है और इसका जो हमारा जो एम है, जिसका मकसद है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका BSNL के सहायक महाप्रबंधक रहे हैं, साथ में बैठे हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपको बुलंदशहर जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ कुंवर ताहिर अली साहब को, जो जिला बोर्ड के समझ के अध्यक्ष रहे हैं, इनको इम्पार की डिस्ट्रिक्ट गौतम। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए GTV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।